गुड गुड शरारत बंद करो नहीं तो डांट पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप गाड़ी में सब पहुंच गए सबक क्या हुआ है राबिया आज एक ऐसी मम्मा के जहेज की टची लेकर आई है कि मैं आपको दिखाऊं आप लोग भी सोचें। ये मम्मा को मेरे नाना अम्मू ने जहेज में गिफ्ट की। ये मेरे नाना नानी ने जहेज में दी थी और जब हम जहेज में जो है ना हमने सोचा कि हम ये टची जहेज में तुम्हें देंगे और हीरा कह रही है जहेज एक लानत है डोंट प्रमोट। ओके वी आर नॉट प्रमोटिंग। मैं अपनी मम्मा की याद में ले जाऊंगी वहां जाकर मेरी मम्मा की याद आएगी ना ससुराल जाकर। अभी से तुम कितनी बस ठीक है राबिया को मम्मा से मिलना नहीं होगा ना मम्मा से फोन पे बात करेगी ये टची देखा करेगी ठीक है। उठा के इसको बाहर रखो लेके जाओ इसको बाहर चलो शाबाश पुराना टची। ये भी एक ना किस किस के घर ये है जिसका कोड़ी अल्लाह करे जाके इनको कोड़ी भूल जाए। ये इसका लॉक खराब है बहुत पुराना हो चुके मेरे पैदा होने से पहले का। हाँ जी वो सीधा बेटा मैं भी तब पैदा नहीं हुई थी जहेज तभी आया था चलो शाबाश। यार मैं अभी बीमारी से उठी हूँ इतना काम मत करवाओ बुराई इतनी जल्दी नहीं जाती। अभी तुम मरो ना मरो अम्मा तुम्हें बन जाएंगी दरवाजे खराब करो तुम घर के गुड गर्ल। क्या हुआ है सब शौक हो रहे हैं मेरी अम्मा को स्पेशली शौक हो रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रही हो चलो 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 हीरा लाइव डांट हुई आज चलो शाबाश मेरी मॉम अपनी ऐसे लगा हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर लेके जा रहे जल्दी जल्दी ये मेरा बैग दे दो यार देख रहे हैं आप लोग निकलो चुप कर जाओ पापा कह रहे हैं यहाँ से पता चलता है आप लोगों को मैं इनकी ना हरकत है या अल्लाह ये लेके जाना तुमने बदतमीज़ तुम्हारा ये जूड़ा खोल देना बदतमीज़ तुम एक नंबर की ठंड लग रही है दीदार करो ये लोग मजदूरों की तरह सामान लेके जा रहे हैं मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ शरारत बंद करो नहीं तो डांट पड़ेगी क्या 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 कह रही है ये देखो ना मियाँ सामान ढोते हुए अपना ही सामान टो के रखते हुए यार ताकि ऊपर बारिश इधर से बारिश नहीं होगी वहां पे बारिश आती है तो मेरी मामा ने सयानप की है। ओके मामा कुछ रह तो नहीं गया हर चीज सही है गुड मॉम चले अब कुछ रह गया इन लोगों ने ना पक्की यार डांट खानी इन दोनों की तो स्पेशली आज मूड हो रहा है। देखिए हमारी गाड़ी में हमारा सामान लादा जा रहा है और मैं गया चक्कर लगा के देखो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ देख लो शाबाश मैं जैसे ओके अब हम बैठे हैं सनरूफ खोलो रात को ये दोनों फातिमा तुम्हारा जूड़ा क्या कह रहा है अभी तक कर ले उसके बाद ना करना अभी तक कर ले आपकी का फोन बंद हो इसको हाथ लगाना बैठो एक मिनट गाड़ी में पूछ रही हूँ ये गाड़ी में गाड़ी में एयर फ्रेशनर क्या कर रहा है
चलो यार बैठो मेरी जगह बनाओ। ये क्या बतू ऐसे बैठना हम लोग एक मामा एक सेकंड यार वीडियो बना लेने दो यार। अब हम लोग एक ही गाड़ी में फिट हो गए हैं सब। हम दो गाड़ियों में नहीं जा सकते क्योंकि मुझे और हिरा को मोटरवे वाली साइड और वो पहाड़ों वाली साइड में ड्राइविंग करनी नहीं आती, थोड़ा हमें फोबिया सा ऐसा ही है। और इस मैडम को तो ड्राइविंग ऐसे ही नहीं आती। मम्मा आपने उनको सफर के दौरान खाना दे दिया। मम्मा ये गाड़ी में खा के गंदे हाथ गाड़ी पे लगाने पापा ने डांटा। वाले जब व्लॉग देखना ना तुम लोगों की मौत तब होनी है। पापा ने मैं जब व्लॉग देखना याद करना मैं उस टाइम पे दुखी था और उसे देखते हुए हंस रहे हो गए। हां तुम्हारी बात लगेगी ना उस टाइम। मम्मा और मानो आगे बैठेंगे। मम्मा ये लो मम्मा अपना तोहफा रखें। मम्मा अपने लिबास को तना को यार ज़ैनब ध्यान से गाड़ी ऑन है किसी मिनट जो असली फूडी होता है वो ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ओए मैं मर जावा। खाना चलो बैठो उसको जगा दो आगे हो फातिमा। ये देख रहे हैं गाड़ी में समझ नहीं रहने नहीं बैठना था। मम्मा आप ज्यादा मोटी हो जल्दी जाओ इतनी है मम्मा इतनी है चलो मम्मा फंस गई और ऊपर से अपने इतने मोटे कोट में मम्मा इतने मोटे कोट में मम्मा व्लॉग में आना उसको मम्मा ये कोट उतारो यार। यार मेरी बात सुनो तुम तो फंस गई हो यहाँ। पता क्या ज़ैनब बोल रहा ना मम्मा आगे नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि बड़ी दुश्वारी ट्रिप पे जा रहे हैं किस नियत पे जा रहे हैं मम्मा ट्रिप पे जा रहे हैं किस नियत पे जा रहे हैं कैन यू प्लीज पूरी आ रही है तुम नहीं आ रही तो मैं कैसे आऊंगी। यार मैं कह रही थी कि दो गाड़ियां कर लेते हैं क्योंकि बहिरा और मुझे ड्राइविंग नहीं आती बस तो मेरा दूसरी गाड़ी भी निकाल लो ड्राइविंग नहीं मतलब पापा ने इतनी मुश्किल से अंदर चढ़ाई है मतलब मोटरवे और वहाँ पहाड़ों वाली साइड में वहाँ ड्राइविंग कहते हैं गाड़ी अंदर चढ़ा इसका एक ही अलग जन्म को घर छोड़े क्या कह रही आप मैं नहीं जा रही। आपने क्यों कर रहे हैं ना जो तीन दिन के कपड़े पैक करके रखे हैं मम्मा पूरी नहीं मैं सो गई थी और पता मोटर जीटी रोड से भी नहीं जा पा रहे मोटरवे भी बंद है फोक की वजह से पता ही नहीं था और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। निकला अब यार ठंडा यार बाहर तो बस ये देखें ये हमारा नाश्ता आया है जो कि हमें लाहौर में रुक के ही करना पड़ रहा है नान चने ढाबे के। तो ये हालत है कि हम लोग उठ गए हैं और हम लोग चाह रहे हैं घर वापस साइलेंट चुप कर जाओ और ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं ऐसे करके एक टी भी सो रही है ये कैमरा पे नहीं लेते तो कोई बात नहीं ले भी लेते तो पापा के लिए मार्ट ले आएंगे। और ज़ैनब जो है हमारी एक बहन है वो गई हुई है हम चाहते हैं कि वो घंटा दो घंटे बाहर ही रहें। शुरू की हुई है तुमने नोट कर यार मैं ये काम बड़ी हो गई ज़ैनब को हम थोड़ी देर साथ साथ पैदल चलाएंगे मतलब यार मुझसे तो सफर में सोया ही नहीं जाता पता नहीं क्यों ये सारी आवाज़ में सोई हुई है कैसे आई डोंट नो। पापा मुझ पे हंस रहे हैं कि सब सो रहे हैं और हिरा को बस वीडियो रिकॉर्ड करने की पड़ी हुई है पर व्लॉग भी तो कंप्लीट करना है ना ये लोग तो सो गई हैं अब रास्ता कौन कवर करेगा मैं भी और एक ज़ैनब जाग रही है एक मैं जाग रही हूँ एक ज़ैनब जाग रही है एक बाबा जाग रहे हैं और मामा भी जाग रही हैं। ओ राबिया का मुँह आ रहा है इसने मुझे बाद में डाला है इसने मुझे बाद में कहना है मेरा मुँह क्यों लिया इसको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ छोटा 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 छो
और जो पहाड़ आगे सेल्फी ले लो पहाड़ों के साथ पिक्चर ले लो राबिया उठो अपना होलिया सुधारो तुम्हें कैमरा पे रिकॉर्ड किया जा रहा है नहीं मतलब तुम्हें ब्लॉग बनाने की होश नहीं है नींद सारा रास्ता तुम सोती ही आई हो इधर गर्मी आ गई मतलब इतना सारा जो सामान पीछे रखा हुआ उसका क्या करना मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है इसीलिए मैंने ये उतारी नहीं है और शायद मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है इसीलिए नो मेकअप करके निकलना आना घर से सबसे एक वो चीज है मजे की चले मैं आपको बाहर से हल्का हल्का व्यू दिखाती हूँ ये देखिए पहाड़ ये देखिए बच्चों पहाड़ बच्चों हम पहाड़ों पे आए हैं ज्यादा मतलब हम पहाड़ों पे आए हैं बट एक्चुअली में ये भी वो डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ हमने पहुँचना है वी आर हम अभी इन बिटवीन है सो इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं हमारे बालों से आपको लग रहा है मेरे बालों से कि मैं पूरा रास्ता सोती नहीं आई हूँ ये अभी तक सो रही है राबिया थोड़ा सा उठ गई है और हीरा ये बेचारी मुझे पता चला ब्लॉगिंग करती रही है जागती ही रही है नहीं तो मैंने सुना तुम ब्लॉगिंग करती रही अंदर से मैं वाकई में बोल रही थी मेरा मेरा नहीं बना था कोई भी शॉर्ट तो ये तो बस फुल तुम्हारा नहीं बनाया वो वाला शॉर्ट कैसा था बहुत नींद आई हुई थी रात के अब निकले हुए और अब मुझे 8 घंटे नींद पूरी करने की आदत है और अब इस वक्त हम इस्लामाबाद की सड़कों पे हैं सो हाय इस्लामाबाद के लोगों जितने भी इस्लामाबाद के लोग यहाँ पे मेरे इस एस्ट्रोलॉजी में हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप सब आपके शहर में हम लोग आए हुए हैं मज़ा आ रहा है अच्छी आबो हवा ट्रैफिक अच्छा है मज़ेदार है सो अभी हम यहाँ पे रुके हैं मम्मा के लिए किन्नू लेने के लिए किन्नू जो है ना वो देखे वो नज़र आ रहा है आपको बहुत गर्मी लग रही थी मुझे तो नहीं लग रही वो हीरा को सर्दी लग रही है और इसकी तो मूवी नहीं खत्म हो रही है भाई मामा पापा गए हुए हैं मॉन्स्टर लेने के लिए किन्नू ले ली है वो ले रहे हैं मम्मा ले रही है पापा इस वक्त अपनी लेजेंडरी कैप पहन के इंतजार करते हुए हमें क्या कह रहे थे इधर बड़ी सर्दी होगी तो धूप देख के कैसे कड़कत पड़ रही है और इसको गर्मी भी लग रही है ओह वाओ कितना प्यारा मौसम है और इधर इनकी वीडियोस बन रहे हैं यहाँ पे जो है मेरे डैडी बुकिंग कराने के लिए गए हुए हैं और मेरी ये दो बहनें जो है ना बाहर चहलकदमी करेंगी ये हीरा है और ये ज़ैनब है ये जो राबिया है ये यहाँ पे बैठ के अपनी फोटोज इस सामान पे हम लोग बैठे हुए थे हर्षद देखे और ये लड़की जाना इधर से निकली है बाहर गाड़ी बंद कर सब पहुंच गए सब क्या हुआ है क्या हुआ है हाथ जम गया और उसको हाथ जम गया मानो के हाथ पे फूंक मारो कितनी प्यारी पिक्चर मानो दरवाजा बंद करो गाड़ी का पापा जो है वो करवाने गए मैं आपको जरा थोड़ा सा व्यू दिखा दूं ये हमारे हार्ट साइन क्या हुआ है तो बाजी साथ में पड़ रही तो ग्लव की पड़ गई कह रही है इसमें नहीं है ये मेरा बैग है ये देखे ना जुड़े वाली आंटी ये देखें इनका अपना ही चल रहा है इनको भी समझ नहीं आ रही है अपनी ताज़ी हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट मिल जाए किसी तरह से लेकिन नहीं इंटरनेट कह रहा है आप कौन और इसका तो ना उनके भी होंगे ना गलत लिरिक्स पढ़ने वाली लड़की मम्मा बाहर बुला रही है तुम्हें मम्मा कह रही है बाहर आओ छुप गई अपनी बिल्स में सबका अपना ही चल रहा है इधर यार ये ऐसी जमीन होती है ये देखिए आज हम ये जूते बिंदास अच्छी तुम नहीं आओ बस वैसे वही ना ये वो स्टाइल होता है अच्छा सो यहाँ पे आ गए हम लोग वेट कर रहे हैं तो पापा आप बताएं आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है
पापा चाय कम पीते हैं। हो गया रेडी? चलें जी, मेरी मॉम चाय, मम्मा आप चाय तो फिनिश कर लें अपनी। रूम हमारा ओके, रूम हमारा रेडी हो गया, सब लोग जा रहे हैं और हम भी चलते हैं। सो गाइज, हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि रूम रेडी हो गया, अब हमारा रूम जो है वो आपको देखने का मौका मिलेगा अगले व्लॉग में, क्योंकि हम बड़े थक चुके हैं, रेस्ट करनी है सबने, तो मैं आपको अपना रूम भी दिखाएंगे हमने क्या चीज़ें ली हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इस एस्ट्रोलॉजी से अपनी इकरा कबूल कर दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।